मामा मामा कहाँ है सरेश? सरेश क्या बात है ताबिश? मा? अरे इतनी जल्दी आ गई? प्यारी मामा बैठे, सबसे पहले इधर बैठे। लगता है जॉब मिल गई है ना? ले मुंह तो मीठा करें। आपकी दुआ से बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छा पैकेज है, कार भी देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे सेहत के साथ। आमीन। सुमा आमीन। बाबा को बताया? रास्ते में कॉल कर दी थी उन्होंने, बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे घर आकर मिठाई खाऊंगा। उनकी भी तो यही ख्वाहिश थी ना कि उनकी रिटायरमेंट से पहले तुम्हें जॉब मिल जाए। पापा भी खामखा परेशान होते हैं, अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है हमें, और वो भी तो इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में जीएम मार्केटिंग की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। अच्छा सैरिश कहाँ है, उसका भी तो मुंह मीठा करवाऊं। अरे बेटा अपने रूम में होगी ना। ओके। और सुनो बाबा का भी मुंह मीठा करवाना। वो जैसे ही घर आते हैं सबसे पहले मुंह मीठा करवाऊंगा। मैं खाना लगा रही हूँ, फिर आगे खाना खाओ। ओके मामा। सी कपड़े धो के चली जाती है, लेकिन उतारने किसने? शानजे ने, क्योंकि सबसे ज्यादा फारिक तो मैं ही हूँ इस घर में। सबर, मैं भी ये सारे कपड़े रूमी को दे के आती हूँ कि तय करे। सच, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ये फॉर्म तो बहुत अच्छी है ताबिश। देखा मैंने कहती थी तुम्हें ये बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम्हें, बस परेशान ना हुआ कर। अब बस ऑफिस जाना स्टार्ट करो और आगे के स्टेप के बारे में सोचो, मम्मी को ज्यादा देर टाल नहीं सकती। भाभी आप? हाँ हाँ वो मैं तुम्हें ये कपड़े देने के लिए आई थी धुले हुए, तुम इनको तय लगा दो, मैं खाना बना लेती हूँ। जी ठीक है। रूमी वो दरअसल मुझे किसी की बातें सुनने की आदत तो नहीं है, लेकिन मैं गुजर रही थी तो मैंने सुना तुम जॉब के बारे में बात कर रही हो, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ क्या तुम जॉब करना चाहती हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम दोबारा फोन मिला लो। नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी हो गई बात, मैं कर देती हूँ कपड़े तय। तो खिचड़ी जरूर पक रही है। ये रूमी किसकी जॉब पर इतना खुश हो रही थी, पता तो करना ही पड़ेगा। भाभी ने सुन तो नहीं ली सारी बातें, इनको तो वैसे भी एक की जाल लगाने की आदत है। खैर जो होना था हो गया, अल्लाह का शुक्र है ताबिश को जॉब मिल गई।